की डमरू वाले को सुनइयो, डमरू वाले को ओ नंदी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो डमरू वाले को। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो शिव शंकर बोले नहीं, और कर्णावाल वाले किसी से बट दोनों ही काम हो रहे हैं। जयकारे में दम भी नहीं बट आप किसी से कम भी नहीं है। बोले शिवशंकर भोलेनाथ की जय। और अगर आपकी इच्छा हो तो मीठी मीठी तालियां बजा लेना, अदरवाइज आपकी इच्छा है। आइए चलेंगे कि डमरू वाले को सुनैया, डमरू वाले को भरी पड़ी हूँ।
आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल पंच जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके सम्मान में भी तालियां बजा दो, पैसे थोड़ा लग रहे हैं। यू कहती है बाबा जी को कि इस चिट्ठी में ये भी लिख देना, अच्छा ये बताओ भगवान शिव कौन सी जगह पे रहते हैं? आपके घर के साइड में? भगवान शिव के पास, सभी के पास इतने अच्छे अच्छे बंगले हैं, इतनी अच्छी अच्छी कोठियां हैं, लेकिन उनके पास, लेकिन जब भक्त की बारी आती है ना तो वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देता है। ओनली वन ऐसे पूरे भारत देश के देवता हैं जो कि भक्त के ऊपर कृपा करते तो पूरा दिल खोल के कृपा करते हैं। इसीलिए बाबा को कहती है उस पहाड़ों वाले को ये भी संदेश पहुंचा देना। कौन सा संदेश? आइए बाप के साथ अच्छा। और जो जिस पे चढ़ती है तो सुबह को ही उतरती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो कहते हैं कि सावन के महीने में जब भी कोयल बोलती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो कहती है वो जोगन कि जब भी मैं कोयल की वाणी सुनती हूँ तो मेरे को वो कोयल की वाणी में ऐसी आवाज आती है कि जैसे भोले भोले बम भोले ऐसे वो कोयल बोल रही हो। हमेशा मेरे दिल से भी आवाज यही निकलती है बाबा जी को क्या कहती है। कहते हैं एक छोटी सी बात और याद आई कि एक रोज भोले बाबा में और माँ पार्वती में झगड़ा हो जाता है। किस बात के लिए? कि बोले बाबा मैंने इतने समय आपकी भांग घोटी बट अब मैं नहीं घोट सकती क्योंकि नाथ मैं तो भोले रे मैं तो नाथ मैं तो हार गई घोट के भाग Oh,
मोर म्यूजिक कंपनी के ऑर्गेनाइजर आदरणीय राजेश मोरजी के द्वारा देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए दो लाइनें और कह दे गुरु जी। ओ खाले खाले लड्डू पेड़ा खाले मिश्री मलाई, खाले खाले लड्डू पेड़ा खाले मिश्री मलाई, ओ खाले खाले लड्डू पेड़ा खाले मिश्री मलाई, अब ज्यादा नाक चढ़ावे ना। ओ गणेश की मम्मी, हाय हाय, ओ गणेश की मम्मी, ओ अरे अरे रे वो कौन